अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनीस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से सन स्क्रीन लोशन के बारे में आपको समझाऊंगा, किसको लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, यूज इफेक्ट, सही लगाने का तरीका, सब कुछ बताऊंगा, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले सन स्क्रीन लोशन क्या है? तो सन स्क्रीन लोशन जो है वो केमिकल और फिजिकल तत्वों का मिक्सचर है। ये सूरज की किरणों में रहने वाली बी रेस जो हमारी परत को ऊपर से जलाती है, और सूरज की किरणों में रहने वाली ई रेस जो अंदर जाके कॉग्निटिव टिश्यू को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स जुड़ रही है या फिर टैनिंग हो जाती, काला पड़ जाता है, खाल जल जाती, तो उससे प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन का असर जो है वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। यदि आप इससे ज़्यादा टाइम धूप में रहते हो तो 6 से 7 घंटे के बाद सनस्क्रीन का को फिर से वो लगाएं। ओके, फिर से यूज़ करें। तो अब बात करते हैं सन लोशन, सनस्क्रीन लोशन या जेल के बारे में। तो ऑयली एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्क्रीन थे। तो स्क्रीन जो होते हैं जेल की, उस जेल के फॉर्म में होते हैं। तो नंबर इस पर आता है लिस्ट शेल्ड आई आर सन स्क्रीन जेल SPF 30। ओके, ये सब जेल के फॉर्म में होते हैं। तो नंबर दूसरे पर आता है, अगर किसी को खुशबू वाला ये बाहर ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए अल्ट्रा शेन ड्राई टच सन ग्लॉक। ओके, ये अब तीसरे नंबर पर आता है सन ग्लॉक फॉसी। अब बात कर लेते हैं ड्राई स्किन के बारे में। तो ये सारे जो चाहिए नोशन के फॉर्म में होते हैं। तो नंबर एक पर आता है इस पर SPF 40, नंबर दो पर एविनो SPF 50, ये थोड़ा महंगा होते हैं। ओके, तीसरे नंबर पर आता है CC सन ब्लॉक लोशन SPF 25। ओके, तो बात कर लेते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में। तो नंबर एक पर आता है सन क्रॉस SPF 50। ओके, ये थोड़े जो है महंगे होते हैं। और नंबर दो पर आता है पल्थो स्टेबल SS सन स्क्रीन SPF 40। ओके, और अब बात कर लेते हैं जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं, ज़्यादातर फील्ड में काम करते हैं, धूप में आना जाना रहता है, तो यानी सारा दिन धूप में जो काम करते हैं उनके, ये थोड़े महंगे होते हैं। ओके, तो नंबर एक पर आता है Elta MB SPF 41, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, आप इसको लेकर स्विमिंग पूल या धूप में पसीना वगैरह से भी नहीं छूटता है, और वाटर प्रूफ में भी आप स्विमिंग वगैरह करेंगे तब भी काम करेगा, ठीक है, 6 से 7 घंटे में। और नंबर दो पर आता है जो है सन गार्ड, ये भी वाटर रेजिस्टेंट होता है, और ये SPF 60 होता है। तीसरे नंबर पर आता है सेटाफिल सन SPF 50। ओके, ये कुछ लोशन बताए हैं मैंने, सन स्क्रीन बताए हैं, कोई जेल के फॉर्म में, कोई लोशन के फॉर्म में, सारे ही सही है, सब का रिजल्ट सही है, आप इनको कोई सब मिक्स चॉइस करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको नियर बाई किसी भी केमिस्ट पर मिल जाएंगे बहुत आसानी से, और ऑनलाइन आप इनको परचेज कर सकते हो। और किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जानकारी इंशाल्लाह सारी डिटेल्स के साथ दूंगा। अगर कोई इसमें गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस ओके, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।